हेलो गाइस, वेलकम टू किट्टी कलेक्शन बुटीक। आज मैं बना रही हूँ गाउन, तो आप देख सकते हो ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है। तो इसकी चेस्ट साइज़ बना रही हूँ मैं 40 इंच, और लंबाई मैं रखूँगी इसकी 15 इंच। पूरी लंबाई मुझे रखनी है इसकी 50 इंच, तो ये मैंने 15 इंच रख ली है। और 7 इंच मैं इसके रखूँगी मुड्डे। ये मैंने 4 तह में फोल्ड किया हुआ है कपड़ा, तो दोनों पार्ट में एक साथ काट रही हूँ इसके। और 7 इंच इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे। चेस्ट 40 इंच बनाऊंगी, तो 10 इंच पे निशान लगा लूँगी। और कमर साइज़ बना रही हूँ मैं इसका 36, 1.5 इंच का इसमें गोलाई दे देंगे, जो हमारा आर्म होल है। पीछे वाले पार्ट में 1.5 इंच की गोलाई देते हैं। इसकी मैं कटिंग कर दूंगी यहाँ से। 1-1 इंच का इसमें मैंने सिर्फ मार्जिन लिया है, क्योंकि मुझे ओवरलॉक करनी है, तो 1 इंच का मार्जिन मेरे पास मेरे लिए काफ़ी है। इसमें जो है ये कपड़ा जो है नेट का है, तो इसमें मैं अस्तर लगाऊंगी। उसी तरह से सेम अस्तर भी मैं कट कर लूँगी इसका। 4 इंच की इसमें लगाएंगे हम प्लेट, और 11 इंच की ऊपर से जो हमारा आर्म होल है वहाँ से लेंगे हम। इस तरह से इसमें प्लेट डाल देंगे एक। आगे वाले पार्ट में हम 1/2 इंच की गोलाई और दे देंगे अंदर को। इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसकी। अब इसका गला हम काट लेंगे। 2.5 इंच की चौड़ाई में मैं गला कट कर रही हूँ, और इसकी 6 इंच की लंबाई रखूँगी मैं गले की। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। इस तरह से दूसरी तरफ भी निशान, इसका निशान जो है वो लगा लेंगे इस तरह से। पीछे वाले पार्ट के भी सेम तरीके से हम गला काट लेंगे। 2.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे, और इसकी मैं 4 इंच की लंबाई रख रही हूँ, क्योंकि मुझे छोटा गला चाहिए, तो 4 इंच की लंबाई रखूँगी सिर्फ मैं। और इसमें भी प्लेट उसी हिसाब से लगा लेंगे। इसका अस्तर मैं कट कर लूंगी उसी हिसाब से। अब इसकी बाजू रखेंगे, तो बाजू में अस्तर मैं नहीं लगाऊंगी, बाजू इसी तरह से रखेंगे। ये मैंने 4 तह में फोल्ड की हुई है, और 10 इंच की चौड़ाई में रखूंगी मैं, और लंबाई भी इसकी 10 इंच रख रही हूँ। इस तरह से कट करके पहले निकाल लेंगे। बंद वाले पार्ट की साइड से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, और जो खुला पार्ट है हमारा वो नीचे की साइड से 2 इंच का निशान लगाएंगे, और इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब जितना भी हमारा नीचे वाला पार्ट है, जितना भी हमारे हाथ की गोलाई है, उतनी रखेंगे। तो ये मैं टोटल 7 इंच रख रही हूँ, क्योंकि हमारी जो हाथ की गोलाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 इंच होती है। अब हम इसका नीचे वाला पार्ट कट कर लेंगे। तो ये मैं 36 इंच में रख रही हूँ लंबाई में, और चौड़ाई भी मेरी उतनी है, क्योंकि चौड़ाई जितनी हमारे पास कपड़ा है उतनी चौड़ाई रखेंगे हम, क्योंकि हमें इसमें प्लेट ही डालनी है बस इस तरह से। तो जितना हमारे पास फैब्रिक है उतना ही चौड़ाई रख लेंगे। मेरे पास कम फैब्रिक था ये। इसमें अंदर से मैं लैस लगाऊंगी। दोनों गले में हम लैस लगाएंगे इस तरह से। ये मेरे पास समोसे वाली लैस है, और इसको सीधी साइड से रख के और उल्टी तरह से लगाना है इस तरफ से। अब इसके ऊपर से जो हमारा अस्तर है वो रखना है, और सिलाई चला देनी है।
इस तरह से निकाल लेंगे और सिल देंगे। ये अंदर की साइड से आ जाती है और अच्छी भी लगती है, अगर हम बाहर से लगाते हैं तो चुभती भी है और अच्छी भी नहीं लगती, तो इसलिए हम इसे अंदर से इस तरह से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। दोनों गले हमारे तैयार हो गए हैं, तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है हमारे गले का। अब इसको मैं कच्चा कर लूँगी क्योंकि अस्तर लगा हुआ है, तो थोड़ा सिलाई से कच्चा कर लेंगे इस तरह से, ताकि इधर उधर ना हो ज़्यादा हमारा ये। अब इसमें जो हमने प्लेट का निशान लगाया हुआ है वो प्लेट डाल लेंगे इस तरह से, आधा इंच की चौड़ाई में हम प्लेट डाल लेंगे, दोनों साइड प्लेट कंप्लीट कर लेंगे इसमें, पीछे वाले पार्ट में भी और आगे वाले पार्ट में भी। प्लेट हमारी डल गई है, अब हम इसके मुड्डे जो हैं वो सिल लेंगे, इस तरह से रखेंगे। इस पर मैं ओवरलॉक करूँगी तो इसी तरह से सिल लूँगी, दोनों साइड के इसी तरह से सिल लेंगे। अब इसकी बाजू लगाएंगे तो बाजू भी मैं इसमें ओपन ही करके लगाऊंगी, बाजू मैं बंद बाजू नहीं लगाऊंगी। अब इसका बीच पार्ट देख लेंगे बाजू का भी, और इसको रखेंगे और सिल देंगे इस तरह से, दोनों बाजू कंप्लीट कर लेंगे लगा के। अब इसकी फिटिंग लगा लेंगे, बाजू मेरी दोनों कंप्लीट हो गई है, जितनी भी फिटिंग है हमारे हाथ की उतनी लगा लेंगे। कलाई की फिटिंग है मेरी 6 इंच रखूँगी मैं, 1 इंच का इसमें मार्जिन रखूँगी, तो इस तरह से निशान लगा लेंगे और सिलाई चलाते जाएंगे, जितने भी हमारी फिटिंग है उतना ही निशान लगाएंगे और सिलाई कर देंगे दोनों साइड। अब इसमें नीचे वाले पार्ट में मैं बेल्ट अटैच करूँगी इसी में, ताकि लुक इसमें आ जाए अच्छे से। तो मैंने 4 इंच की चौड़ाई में काटी हुई है बेल्ट, और लंबाई उतनी रखनी है जितनी हमारी कोटी की लंबाई है उतनी रखनी होगी हमें। ये इस तरह से अटैच करेंगे, सिंपल तरीके से अटैच होगी और बहुत ही प्यारी लगेगी, लुक भी अच्छा आ जाता है इसी से। इस तरह से इसे अटैच कर देंगे, ये इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे और
दोनों पार्ट से अब सिल देंगे, जहाँ से हमने फिटिंग लगाई हुई थी वहाँ से भी इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से, इस तरफ से भी इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये कोटी हमारी ऊपर की तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छा लुक भी दे रही है। अब इसके नीचे वाले पार्ट को सिल लेंगे, जो हमारा घेर है। इसके घेर को सबसे पहले हम साइड से सिल लेंगे, नीचे से सिलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें नीचे की साइड जो है हमारा इसमें डिजाइन आ रहा है, तो इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे साइड से सिल के। इसमें भी मैं अस्तर लगाऊंगी नीचे की साइड। ये भी साइड से कंप्लीट हो गया है। अब इसमें प्लेट डाल लूँगी, इस तरह से रखेंगे ऊपर वाले पार्ट में जो हमारा कोटी की साइड आएगा, और इस तरह से प्लेट डालते जाएंगे इसमें। प्लेट इसमें हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें अस्तर लगा लेंगे, जो अस्तर मैंने इसका कट किया हुआ था अस्तर, इसी तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इस पर सिलाई चला देंगे। इस तरह से पूरी सिलाई चला देंगे इस पर। अब जो इसके ऊपर की ये कोटी है उसमें इसको अटैच करेंगे। ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, इस तरह से। अब इसको सिल के साइड से कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह से रखेंगे जो हमारे हाथ की साइड का पार्ट आ रहा है वहाँ से रखेंगे, और दोनों के जोड़ मिला लेंगे इस तरह से, और सिलाई चला देंगे बीच में से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बीच वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक, तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लुक भी इसका आ रहा है, आगे वाली नेक भी, और जो हमने बीच में इसके बेल्ट दिया वो भी बहुत प्यारी लग रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।